का सभी अभ्यर्थियों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है, चाहे वह SCET अभ्यर्थी हो, बिहार TET के अभ्यर्थी हो या फिर CTET अभ्यर्थी हो। और वह अभ्यर्थी भी जिनका 6th phase में चयन नहीं हो सका, उन्हें भी अब यही उम्मीद बची है कि 7th चरण में वह जरूर ही चुन लिए जाएंगे। उनका जो नियोजन है वह 7th phase के तहत शिक्षक के रूप में हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7th phase की लेटेस्ट सभी अपडेट्स के बारे में, साथ ही आपको असलियत में यानी कि सही मायने में 7th phase का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, कैसे जारी होगा और बहाली प्रक्रिया किस तरह से अंजाम दी जाएगी, सारी ही जानकारी, सारी ही सूचना है, इन्फॉर्मेशन है आपको हम देने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो में आप शुरू से एंड तक पूरी तरह से बने रहें, काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होने वाली है अगर आप 7th phase में के अभ्यर्थी हैं और इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक बार ये याद दिला दें कि पटना के गर्दनीबाग में 7th चरण के नियोजन को लेकर अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन है, जो आंदोलन है, जो विरोध करने का तरीका है, वह लगातार जारी है। लगभग 20 दिन होने को आए हैं लेकिन सरकार की ओर से, विभाग की ओर से कोई भी अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। जो चीज़ें हुई हैं आंदोलन के तहत उससे भी आपको मैं अभी रूबरू कराऊंगी, लेकिन पहले आपको यह बता दें कि 7th चरण के जो अभ्यर्थी हैं वह बिहार TET और CTET अभ्यर्थी हैं अभी फ़िलहाल वहाँ पर पटना में, और इनके ऊपर लाठीचार्ज इत्यादि भी किया गया है क्योंकि अभ्यर्थी जो है प्रदर्शन करते करते JDU ऑफिस तक पहुँच गए थे और शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारे भी लगा रहे थे, तो पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रुकने की वजह से भगदड़ मच गई और कई अभ्यर्थी घायल भी हो गए क्योंकि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। तो ये कोई नई बात नहीं है, अभ्यर्थियों पर, शिक्षक खासकर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन पर अक्सर लाठीचार्ज होता आया है। अब बात करते हैं SCET अभ्यर्थियों के बारे में, जिनके बारे में आप लोग जानते होंगे कि 2019 में रिजल्ट प्रकाशित हुआ है और अभी तक कोई भी जो मामला है बहाली को लेकर आगे नहीं बढ़ पाया है। तो SCET, CTET और बिहार TET सभी जो अभ्यर्थी हैं बहाली का वेट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं और इसी के तहत ये जो आंदोलन की शुरुआत है वह CTET और BTET अभ्यर्थियों के द्वारा की गई थी और अभी भी आंदोलन जो है, पूरा जो विरोध है वह जारी है, भूख हड़ताल भी हो रही है। तो यानी कि हर तरीके से सरकार पर दबाव बनाने की जो कवायद है वह काफ़ी तेज़ है, लेकिन सरकार का देखिए क्या क्या उसके ऊपर जो आउटकम निकल के आए हैं, सरकार पर क्या असर हुआ है उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। पहले जब ये आंदोलन का ज़्यादा तूल पकड़ रहा था, मामला ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था, मीडिया चैनल्स पर भी आ रहा था, सोशल मीडिया पर तो वायरल होता ही है, तो देखिए सरकार ने क्या किया, जिलेवार रिक्तियां यानी कि हर जिले से रिक्तियों की संख्या को कैलकुलेट करने का जो लेटर है वह निकाला गया और फिर ऐसा लग रहा था कि रिक्तियों की संख्या मांगी जा रही है। तो अब जल्दी ही 7th चरण का जो विज्ञप्ति है वह जारी होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये पता चल रहा है कि 7th phase में जो रिक्तियों की संख्या मांगी गई है जिलों से वह 7th phase की बहाली के लिए नहीं है, बल्कि ट्रांसफ़र के जो प्रोसेस होना है अब शिक्षकों का, उसके लिए ये संख्या मांगी गई है। जैसे कि अगर किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में यदि ज़्यादा टीचर्स हैं 1-5 में या फिर किसी विषय के 2 से अधिक टीचर्स हैं तो उनको फिर दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करने का जो प्लान है वह सरकार का है। तो इस तरह से सामंजन करने के लिए वह रिक्तियों की संख्या को मांगा गया था। तो इसलिए पहले हम लोग काफ़ी खुश थे कि 7th phase की जो ये अपडेट है ये बहुत अच्छी है कि भाई रिक्तियों की संख्या मांगी गई है जिलेवर और अब 7th चरण का विज्ञापन सीटों को रिकैलकुलेट करके जारी होने वाला है। तो देखिए आंदोलन को शांत करने के लिए सरकार ने पहले ये जो ड्रामा है ये किया कि रिक्तियों की संख्या को मांगा और अब ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के बाद ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए रिक्तियों की संख्या मांगी गई थी। तो पहली चीज़ तो ये कि 7th phase की जो नोटिफिकेशन है, जो विज्ञापन है, वह शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा, उनकी पोस्टिंग होगी, उसके बाद ही 7th phase की बहाली सरकार स्टार्ट करने के मोड में है। दूसरी ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शिक्षकों का जो ये पूरा अरेंजमेंट है, जो पूरा मैनेजमेंट है, सामंजन किया जा रहा है, इस प्रक्रिया को सरकार अंजाम देगी, किस विद्यालय में कम टीचर्स हैं वहाँ पर दूसरे विद्यालय से टीचर्स वगैरह को भेजा जाएगा। और तीसरी चीज़ ये कि आप लोग जानते हैं कि 28 जुलाई को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो अभ्यर्थी हैं, SCET अभ्यर्थी जो 2011 से पास हैं 6th phase के, उनको नियुक्ति पत्र दिया जाना है। तो उसके बाद ही सरकार 7th phase का जो नोटिफिकेशन है उसको निकालने के बारे में सोच रही है, उसका बहाना बनाकर बैठी हुई है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कल जो आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी थे वह प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो हैं रवि प्रकाश, उनके सामने भी गए थे, उनसे विनती भी की, लेकिन जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक है उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि इस तरह से विनती करने से, रोने से या आंदोलन करने से काम नहीं चलने वाला है क्योंकि वह लोग नियमावली में संशोधन कर रहे हैं। और इस बार देखिए नियमावली में संशोधन होगा, अकेडमिक मार्क्स पर बहाली नहीं होगी, केवल अकेडमिक मार्क्स पर नहीं होगी, हो सकता है कि TET, SCET मार्क्स का वेटेज दिया जाए या फिर अन्य तरीके से नियमावली को संशोधित करके सामने रखा जाए।
तो इस पर जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक है उन्होंने भी ये कह दिया कि टीईटी या फिर एसटीईटी परसेंटेज का जो वेटेज है उसको देने पर विचार किया जा रहा है और इसलिए नियमावली संशोधित करने में थोड़ा और समय लग सकता है। तो अभी स्पष्ट तौर पर लग रहा है कि सातवें चरण की बहाली स्टार्ट तो होगी लेकिन इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो पूरा स्वरूप है, वह बदला हुआ होगा। ये आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए कि नियमावली में संशोधन होना बिल्कुल तय है। अकेडमिक मार्क्स पर अगर सरकार बहाली करती है तो एसटीईटी अभ्यर्थियों का सबसे ज़्यादा लॉस है, क्योंकि उसमें देखिए मैरिट और नॉट इन मैरिट का जो झगड़ा है, जो लफड़ा है, वह अभी भी लगा हुआ है, वह मसला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो इसलिए जो मेरिट बढ़ाने की प्रक्रिया है उसको किस तरह से सरकार मोल्ड करती है, नियमावली संशोधित करती है, इस पर भी विचार चल रहा है और इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सचिवालय से भी यही अपडेट निकल कर आती है कि 7th फेज के लिए नियमावली को संशोधित किया जाएगा, सीटों को रिकैलकुलेट किया जाएगा, ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया होगी, उसके बाद ही 7th फेज का विज्ञापन सरकार जारी करेगी, चाहे वह प्राथमिक के लिए हो या फिर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए हो। आज के अखबारों में एक नई अपडेट भी आई है कि शिक्षक भर्ती से बचे 450 पदों के लिए काउंसलिंग और जून में फिर से ये काउंसलिंग की जो तैयारी है वह कराने की कवायद एक बार शुरू हो गई है। राज्य के विभिन्न जिलों के 74 पंचायत और 2 प्रखंड नियोजन निकायों में जहां अलग अलग कारणों से काउंसलिंग नहीं हो सकी वहाँ 450 पदों पर जून में काउंसलिंग की तैयारी शिक्षा विभाग कर रहा है। तो देखिए आंदोलन को शांत करने के लिए, आंदोलन को अभी बिल्कुल खत्म करने के लिए सरकार का एक और जो ये हथकंडा है वह सरकार अपना रही है, जबकि पहले उन्होंने ये कह दिया था कि 6th फेज में जो विशेष चक्र की काउंसलिंग हुई है उसके बाद कोई भी काउंसलिंग का राउंड नहीं होगा और 6th फेज को क्लोज कर दिया गया है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने अब सभी DEO और DPO स्थापना को पत्र भेजकर विशेष चक्र के बाद भी बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाली नियोजन निकायों की जानकारी मांगी थी और अब तक जिलों से जो रिपोर्ट मिली है इसमें 175 से अधिक नियोजन निकायों में काउंसलिंग पूरी नहीं हो सकी है। तो इसमें 100 से अधिक पंचायत से अपग्रेड होकर नगर परिषद और नगर निकाय में चले गए हैं, यहाँ अभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी नहीं है। तो अब ये जो 74 पंचायत और 2 प्रखंड नियोजन निकाय हैं यहाँ पर सरकार फिर से एक बार काउंसलिंग की तैयारी जो है करने में लगी है, तो जून में ये काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद जुलाई में आप लोग मान लीजिए कि 28 जुलाई को नियुक्ति पत्र माध्यमिक उच्च माध्यमिक को भी मिलने वाला है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 7th फेज के लिए जो हर्डल्स हैं वह अभी बाकी हैं, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की बात है वह भी अभी बाकी है, यानी कि बहुत सारे जो हर्डल्स थे, जो रुकावटें थी, वह खत्म तो हो रही हैं लेकिन सरकार नई नई अड़चनें, नई नई बाधाएं क्यों पैदा कर रही है, अब हम इस पर बात करते हैं। देखिए पिछले साल से आप लोग एसटीईटी, सीटीईटी और बिहार टीईटी अभ्यर्थी ये जानते हैं कि लगातार 7th फेज के विज्ञापन जारी करने की बात हो रही थी, तो सरकार के पास बहुत अच्छा एक्सक्यूज था कि 6th फेज समाप्त होगा तभी 7वां चरण स्टार्ट होगा और यह करते करते जो ये 2022 का जनवरी फरवरी का जो बहाना था सरकार का वह चला गया। उसके बाद मार्च अप्रैल की बात आई, फिर नगर निकाय के चुनाव की बात हो गई और अब स्पष्ट तौर पर सरकार ट्रांसफर और पोस्टिंग का बहाना बनाकर बैठी हुई है और इसी तरह से सरकार बहाने बनाते बनाते ये जो पूरी बहाली प्रक्रिया है 7वें चरण की इसको ले जाना चाहती है अगले विधानसभा चुनाव तक, यानी कि 2024-25 तक, क्योंकि सरकार जानती है कि यदि उन्होंने अभी से ही बहाली प्रक्रिया को अंजाम देना स्टार्ट कर दिया, बहाली का विज्ञापन निकाल दिया, तो बहाली प्रक्रिया को अगर ऑनलाइन सेंट्रलाइज करना है तो जल्दी ही प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और फिर सरकार के पास कोई भी चुनावी स्टंट जो है वह नहीं बचेगा। तो इसलिए सरकार नए नए अवसर ढूंढती रहती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अवसरवादी सरकार है, इसलिए ये नए नए अवसर तो सरकार ढूंढ ही रही है, ट्रांसफ़र के नाम पर, कभी 6th फेज के माध्यमिक के नाम पर, या फिर अभी एक और जो काउंसलिंग का राउंड है उसके नाम पर, और फिर कोई चुनाव आ जाएंगे तो सरकार उसका बहाना लेकर बैठी रहेगी कि आचार संहिता वगैरह लगी है इत्यादि। तो इसके लिए अब देखिए अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे कि आप लोग आंदोलन जानते हैं कि सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी कर ही रहे हैं, साथ में जो एसटीईटी अभ्यर्थी हैं वह भी 6 जून को आंदोलन का आगाज करने वाले हैं पटना में। तो बहुत अच्छा होगा यदि सारे ही एसटीईटी, सीटीईटी और बिहार टीईटी अभ्यर्थी एकजुट होकर हल्ला बोल करें पटना में जाकर, क्योंकि देखिए हमारा होना चाहिए, केवल थीसिस जानने से नहीं होता है, आपको सटीक जानकारी होनी चाहिए आगे आपको क्या स्टेप लेना है, क्योंकि एक चैनल का काम हमेशा आपको जागरूक करना भी होता है जानकारी देने के साथ साथ। तो इसलिए आप लोग जागरूक हो जाइए यदि आप चाहते हैं कि 7th फेज की बहाली स्टार्ट हो, क्योंकि आपको इस सरकार के पास बहुत बड़ा इशू, कोई बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ नहीं बचा है, बस एक ही सरकार को, ये सरकार की मंशा यही है कि चुनाव तक इस बहाली को लेकर जाया जाए ताकि जो जनता है वह याद रखे, क्योंकि जो जनता है भारत में बहुत जल्दी हम लोग भूल जाते हैं कि सरकार ने हमारी बहाली की थी या क्या किया था। तो इसलिए सरकार का यही मोटिव रहता है कि जब चुनाव आने वाले हों तो उसके आसपास ही शिक्षक बहाली को अंजाम दिया जाए
क्योंकि बिहार में शिक्षक बहाली एक बहुत अहम मुद्दा है। तो इसलिए सरकार पर लगातार दबाव बनाए रखना है, जैसे जो ये आंदोलन चल रहा है इसको चलते रहना दीजिए। जो महिला अभ्यर्थी हैं खासकर, उनसे हम निवेदन करेंगे कि आगे आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ज़रूर लें, चाहे थोड़े ही समय के लिए आप लोग पढ़ना ज़रूर जाएं। और जो SCET अभ्यर्थी 6 जून से आंदोलन स्टार्ट करने वाले हैं, उनको भी बिहार TET और CTET अभ्यर्थियों का जो धरना है उसमें ही शामिल होकर उसी आंदोलन को, उसी धरने को, उसी विरोध को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने की ज़रूरत है। दूसरा हम कर सकते हैं कि जो भी विपक्षी दल हैं या फिर जो राज्यसभा सदस्य हैं या जो अन्य जो नेता हैं जो साथ देते हैं शिक्षक बहाली में, जो मीडिया के जो स्पोक्स पर्सन हैं, जो भी हमारा साथ देते हैं शिक्षक बहाली में, उन सभी को हमें ट्विटर के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए चेक करते हुए ये बताते रहना चाहिए, ताकि वो भी सरकार पर दबाव बना सकें। जैसा कि देखिए, एक जो प्रारंभिक शिक्षक संघ है, उन्होंने जो राज्यसभा सदस्य हैं और पहले जो उप मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार मोदी जी, उनको भी ये पत्र लिखा है, जिसका विषय उन्होंने बनाया कि 7वां चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली के विज्ञप्ति के संबंध में। तो देखिए, विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, बहाली ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से की जाए और डोमिसाइल नीति भी ज़रूर लागू की जाए। जी हाँ, इस बात पर हमें ज़रूर ध्यान देना है कि डोमिसाइल नीति ज़रूर सरकार लागू करे, क्योंकि 6th फेज में बहुत सारे जो बिहार के बाहर के अभ्यर्थी हैं उनका चयन हुआ है और बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिल पाई है। तो डोमिसाइल नीति को भी आप लोगों को ज़रूर शामिल करना है अपनी मांगों में, और अधिकतम उम्र की सीमा को भी समाप्त किया जाए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी एज लिमिट के बारे में पूछते रहते हैं। तो देखिए, एज लिमिट को यदि सरकार बिल्कुल क्रॉस कर देती है, उसको मान्य नहीं रखती है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं इसमें बहाल हो पाएंगे, क्योंकि बिहार TET या फिर CTET करके 2017 से 2018 से अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, उसी तरह SCET 2011 के भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। तो इन चीज़ों को, ये जो मांग पत्र है इसमें रखा गया है, और इसमें जो सुशील कुमार मोदी जी हैं उनको ये लेटर लिखा गया है BTET और CTET अभ्यर्थीगण द्वारा। तो इसी प्रकार से हम सभी अभ्यर्थियों को अब एकजुट होकर अपनी जो आवाज़ है उसको और ज़्यादा बुलंद करना है। SCET मामले में जो कोर्ट केसेस है उनका भी एक तरह से निपटारा हो ही चुका है, जो थोड़े बहुत बचे हैं उनसे भी कोई ज़्यादा उम्मीद अब नज़र नहीं आ रही है।